आज हम कक्षा 12वीं केमिस्ट्री के विषय केमिस्ट्री के अंतर्गत पी ब्लॉक एलिमेंट के विषय में पढ़ेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट के विषय में अपन पढ़ेंगे। सर्वप्रथम अपन पिछली कक्षा 11वीं की कक्षाओं में जब आवर्त सारणी पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि हम तत्वों को कितने भागों में बांट सकते हैं। हम तत्वों को एस पी डी और एफ ब्लॉक में बांट सकते हैं, ब्लॉक में बांट सकते हैं, ठीक है, एस पी डी और एफ। इसमें अपन ने ये भी पढ़ा था कि एस ब्लॉक एलिमेंट किसे कहेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहेंगे और एफ ब्लॉक। थोड़ा शॉर्ट में अपन उस जो उसको मेमोराइज करते हुए चलते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट वे एलिमेंट है जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एस कक्ष में प्रवेश करता है। पी ब्लॉक एलिमेंट वे एलिमेंट है जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकक्ष में प्रवेश करता है। इसी तरीके से डी ब्लॉक एलिमेंट जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकक्ष में जाता है और एफ ब्लॉक एलिमेंट जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकक्ष में जाता है, ठीक है। जब अपन पिछले साल आवर्त सारणी पढ़ रहे थे तब उसी समय हमने एस ब्लॉक एलिमेंट को बांटे थे कि ये प्रथम दो वर्गों में होते हैं। पी ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट अपन ने पढ़े थे कि उसके पश्चात बीच में 10 होते हैं जो 3 से लेके 12वें वर्ग तक होते हैं और 13वें से 18वें वर्ग तक अंतिम आवर्त सारणी में 13वें से 18वें वर्ग तक पी ब्लॉक एलिमेंट पाए जाते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट जिसे हम दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं उनको हमने आवर्त सारणी में नीचे जगह दी थी, ठीक है ना, इन्हें हम दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। तो ये आपका आवर्त सारणी। इसके साथ साथ आपने उसी समय पर आवर्त सारणी में ये सब पढ़ने के साथ साथ कुछ भौतिक और रासायनिक गुणों में आवर्तिता भी पढ़ी थी, ठीक है ना। इस आवर्तिता में आपको अच्छे से याद होगा कि हम आवर्त में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर जाने पर गुणों में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों को पढ़ते थे और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर भौतिक और रासायनिक दोनों ही गुणों में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों को हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पिछले साल अपन ने इन्हीं कुछ वर्गों के, ठीक है, गुणों में आवर्तिता को पढ़ा था। इस साल उसी के आगे हमको कोर्स में है 15, 16 और 17, ठीक है, कौन से हैं 15, 16 और 17। तो आज हम 15, 16 और 17 में से 15वां वर्ग जो होता है इसके विषय में, इसके भौतिक और रासायनिक गुणों की आवर्तिता के विषय में अपन पढ़ेंगे। तो इसमें सर्वप्रथम आता है पी ब्लॉक एलिमेंट में कि हम 15वें वर्ग को, ठीक है, कौन से वर्ग को, 15 ग्रुप को, ठीक है। आप समय समय पर इसको धीरे धीरे नोट करते हुए चलिएगा, आपके लिए थोड़ा सा मैंने छोटा सा मेमोराइज करके रखा है। इसी में से एक्चुअल में इसमें क्वेश्चन जो है वो एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं और 1 क्वेश्चन 5 नंबर का, टोटल 8 नंबर का इससे पूछता है, ठीक है। तो उसी आधार पर अपने थोड़ा बहुत इसको नोट्स आपके लिए उपयोगी नोट्स भी बनाते हुए अपन थोड़े थोड़े चलेंगे और प्रश्न भी बताते हैं, ठीक है। इनको अपन नियोजिन कहते हैं, ठीक है, इनका नाम नियोजिन है या नाइट्रोजन ग्रुप भी इसे कहा जाता है, ठीक है। और इसे क्यों कहते हैं नियोजिन, क्योंकि ये इनर्ट एलिमेंट है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। इसके अंतिम कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2NP3 होता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इसके अंतिम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसमें से 2 s में और 3 p ऑर्बिटल p उपकक्ष में पाए जाते हैं, ठीक है। इससे पहले की सारी कक्षाएं भरी होती हैं। ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक सूत्र है, इसके विषय में आपने पिछले साल आवर्त सारणी में काफी कुछ अध्ययन किया है, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि इनके अंतिम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन्हें 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए। अब 3 इलेक्ट्रॉन किसी से प्राप्त करना बहुत अधिक कठिन काम है, क्योंकि आपने पिछले साल आयनन विभव पढ़ा है। आयनन विभव अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करवाने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान होता है। ये प्रथम आयनन विभव का मान से अधिक द्वितीय का होता है और द्वितीय से अधिक तृतीय का होता है, ये भी आपने पढ़ा है। तो 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना
अत्यंत कठिन काम है, इसीलिए इनमें इनर्ट या अक्रिय अवस्था आ जाती है। ठीक है, इसके बाद अपन नाइट्रोजन के विषय में पढ़ते हैं। तो नाइट्रोजन के ग्रुप में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनम, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है, ये आते हैं। ना ना, इसको याद करने का तरीका, ना ना पाटेकर असरानी, ठीक, सब नाना पाटेकर, नाना पाटेकर असरानी सब विकार, ऐसा करके अपन इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी इसको याद किया जा सकता है। या न्यूज़पेपर आज सब बिक गए, न्यूज़पेपर आज सब बिक गए के रूप में भी इसे याद किया जा सकता है। इसमें एक प्रश्न आता है कि इनके सभी के नाम लिखिए और इनके संकेत और इनके परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक साधारण सा प्रश्न जिसको अपन ने यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश किया। इसको बस इतना ही आप करोगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होते हैं वो अधातु तत्व है, ठीक है, आर्सेनम और एंटीमनी उपधातु तत्व है, और बिस्मथ जो होता है वो धातु तत्व। ठीक है, नाइट्रोजन और फास्फोरस अधातु हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-5 इतना ही लिखना है। ठीक है, और फास्फोरस में 2-8-5, आर्सेनम 2-8-18-5 और एंटीमनी 2-8-18-18-5 और बिस्मथ 2-8-18-32-18-5, इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने को लिखना है। ठीक है, इसमें से नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है वो अधातु है, आर्सेनम और एंटीमनी, मतलब कहने का तात्पर्य है जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं धात्विक कैरेक्टर बढ़ता चला जाता है, जैसे कि वर्गों में सामान्य रूप से अपन ये बात जानते हैं। ठीक है, इसके बाद इसी इस वर्गों का जब अध्ययन अपन लोग करते हैं तो हम चाहे किसी भी वर्ग की बात करें, 15वें की करें, 16वें की करें, 17वें की करें, एक क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है, वो ये है कि इसके सभी वर्गों के प्रथम तत्व, मतलब 15वें में अगर अपन बात करें तो नाइट्रोजन, ठीक, 16वें में बात करें तो ऑक्सीजन और 17वें में बात करें तो फ्लोरीन, ठीक है, ये तीन तत्व अपने ही वर्ग के अन्य तत्वों से गुणों में असमानता प्रकट करते हैं। तो गुणों में असमानता क्यों प्रकट करते हैं, पहला प्रश्न ये होता है। ठीक है ना, और ये बड़ा ही कॉमन प्रश्न है और इसका आंसर भी जो है वो सबको पता होना चाहिए और बहुत ही कॉमन सा इसका आंसर है। पहला है इसमें कि इसकी परमाणविक त्रिज्या, इन सभी की परमाणविक त्रिज्या पिछले साल भी हमने पढ़े थे, छोटी होती, एक, दूसरा आयनन विभव, ठीक है, आयनन विभव उच्च होता है। अच्छा, इसमें इस प्रॉपर्टी के कारण परमाणु त्रिज्या छोटा होने, आयनन विभव कम होने, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी या अपन उसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है, सॉरी विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है, बहुत अधिक होती है। ठीक है ना, और एक और चीज इसमें डी ऑर्बिटल अनुपस्थित होता है, डी ऑर्बिटल अनुपस्थित होता है। चार कारण लिखे अपन ने, परमाणु त्रिज्या छोटी होती है, आयन विभव का मान अति उच्च होता है, मतलब इसके अंतिम कक्ष में जो आयन विभव जो होता है, इसके अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों को प्रवेश करवाना, इसके अंतिम कक्ष में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, ठीक है ना, के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। विद्युत ऋणात्मकता बांधे रखने की इलेक्ट्रॉनों की क्षमता अत्यधिक उच्च होती है और डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। ये सभी जैसा आप जानते हैं हीलियम और उसके हाइड्रोजन प्रथम आवर्त और द्वितीय आवर्त में है ये सभी तत्व, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, नाइट्रोजन, ठीक है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन के बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरान, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये कौन से वर्ग में है, ये सभी हैं द्वितीय वर्ग में, द्वितीय आवर्त, ठीक, सॉरी, ये सभी द्वितीय आवर्त में। हम बोरबरी के अनुसार 2n² नियम के अनुसार प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और द्वितीय कक्ष में
कि अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8। ठीक है, प्रथम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों को हम एस उप कक्ष में रखेंगे और द्वितीय कक्ष के 8 इलेक्ट्रॉनों को बांटे तो एस में और पी में 6 टोटल। इसका मतलब ही है कि यहाँ डी ऑर्बिटल जो होता है वो अनुपस्थित होता है क्योंकि इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो सकती, डी ऑर्बिटल नहीं होगा। डी ऑर्बिटल नहीं होने के कारण यही है, यही बताना है कि डी ऑर्बिटल क्यों नहीं होता। ठीक है, इसके बाद वाले आवर्तों में डी ऑर्बिटल होगा, चाहे वो भरा हो चाहे वो खाली हो उससे मतलब नहीं, लेकिन डी ऑर्बिटल होगा। ठीक है ना, इसमें डी ऑर्बिटल एब्सेंट है। इस चार गुणों के कारण, इन चार असामान्य व्यवहार के कारण इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी या असामान्य गुण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, असामान्य गुण उत्पन्न हो जाते हैं किसकी वजह से, इन प्रथम वर्गों में इन गुणों की वजह से। अब अपन नाइट्रोजन में असामान्य गुणों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो असामान्य गुणों में यह भी आता है, नाइट्रोजन के असामान्य गुणों को लिखिए कम से कम 3 या 4 या 5। ठीक है, या ये भी आता है कि प्रथम वर्ग के तत्वों के असामान्य व्यवहार के कारण लिखिए, कारण होगा ये, और उन गुणों को लिखिए, तो गुण आ जाएंगे अपन यहां पर। ठीक है ना, ये एक एक दो दो करके मैंने पॉइंट लिखा हूं, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, पहला नाइट्रोजन गैस। ठीक है, इस वर्ग में नाइट्रोजन गैस है और शेष सभी जो है वो सब सॉलिड। ठीक है, नाइट्रोजन भर गैस है, बाकी सभी जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। दूसरा, नाइट्रोजन डायएटॉमिक है, डायएटॉमिक मतलब N2 के रूप में मिलती है। ठीक है, और शेष सभी जो है डायएटॉमिक है, N2 के रूप में मिलती है, ये गैसियस फॉर्म में है, और शेष सभी जो होते हैं वो टेट्राएटॉमिक है, जैसे P4। ठीक है, P4S4 इत्यादि। ठीक है, ये नाइट्रोजन डायएटॉमिक है और ये पेंटा एटॉमिक होते हैं। ठीक है, पेंटा एटॉमिक, और इनकी सॉरी टेट्रा एटॉमिक होते हैं और इनमें टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर भी होता है। नाइट्रोजन द्विपरमाणिक है और शेष सभी चतुर्थ परमाणिक टेट्रा एटॉमिक होते हैं। ठीक है, और इन टेट्रा एटॉमिक में भी इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी टेट्राहाइड्रल होता है, कुछ इस तरीके से देखिए। ठीक है, टेट्राहाइड्रल होता है, ये फास्फोरस 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 फास्फोरस, ये 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये चतुष्फलकीय टेट्राहाइड्रल होते हैं। ठीक है ना, ये टेट्राहाइड्रल होते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन में आगे पढ़े, डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। ठीक है, डी ऑर्बिटल एब्सेंट होने के कारण ये किसी भी अन्य परमाणु से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते, इनके पास डी ऑर्बिटल एब्सेंट है। ये बात अपन उपसंयोजक बंधों को जब पढ़ेंगे तब भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म डी ऑर्बिटल में प्रवेश कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये डी ऑर्बिटल जो होता है इसमें एब्सेंट होता है और इसलिए ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोजन का हाइड्राइड जो होता है उसमें, ये अपन पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन का हाइड्राइड मतलब NH3, नाइट्रोजन के हाइड्राइड में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, इसे भी आपने पिछले साल पढ़ा है। ठीक है ना, तो नाइट्रोजन जो का हाइड्राइड जो होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये पानी में विलय हो जाता है और इसका संगुणन भी हो जाता है। ठीक है, और इसका संगुणन हो जाने के कारण, संगुणन हो जाने के कारण इसका पथनांक उच्च होता है, ये पानी में विलय होता है। ठीक है, ऐसे शॉर्ट रूप में हमने को लेके चलना है। पांचवा जो है इसके नाइट्रोजन के ट्राइहेलाइड और अन्य तत्वों के, ठीक है, अन्य तत्वों के ट्राइहेलाइडों में अंतर होता है, उसकी पानी के साथ क्रिया भिन्न भिन्न होती है। यदि हम नाइट्रोजन के ट्राइहेलाइड NCl3 की पानी के साथ क्रिया करें तो वो H धन आयन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दाता है, नाइट्रोजन
इलेक्ट्रॉन दाता है, इसके पास डी ऑर्बिटल एब्सेंट है। फिर वही बात आ रही, देखिए अपन जो पढ़े थे डी ऑर्बिटल, इसमें इन सब गुणों के कारण अन्य विभिन्न असामान्य व्यवहार उत्पन्न हो जाते हैं, वही बात का अध्ययन अपन कर रहे हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो होता है वो उसमें डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। ठीक है, और क्योंकि डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन दाता की तरह व्यवहार करता है पानी के साथ, और उसके एच धन आयन के साथ अभिक्रिया करके NH3+HOCl, ठीक है ना, NH3+HOCl बना लेता है। और ये NH3 जो होता है ये सहसंयोजक, ठीक है, सहसंयोजक बंध से बनता है, ये सहसंयोजक बंध से बनता है। ठीक है ना, पानी के एच धन आयन और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनों के बीच में साझा हो जाता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों को साझे के लिए प्रदान करता है। ठीक है ना, और इस तरीके से और बनने वाला जो होता है अमोनिया वो सहसंयोजक प्रकृति का होता है। ठीक है, इसको अगर अपन बैलेंस करना चाहेंगे तो यहाँ पर इसका 3 लगा देंगे। ठीक है ना, हाइपोक्लोरस अम्ल बन जाता है। ठीक, इसके विपरीत जब हम PCl3 की जब पानी के साथ क्रिया होती है तब पानी ध्रुवीय होता है आप जानते हैं। तो PCl3 में इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, इसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, और डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने के कारण ये OH ऋण आयन, पानी के OH ऋण आयन से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो होते हैं उनको ग्रहण कर लेता है। ठीक है, और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके ये POH3 बनाता है, और साथ में जब अब क्लोरीन जो होगी वो किसके साथ जुड़ जाएगी, थ्राइस HCl, क्योंकि यहां पर H धन आयन भी है तो इसके साथ क्लोरीन जुड़ जाएगी। ठीक है, और ये आगे डिकम्पोज होकर, ठीक है ना, ये आगे जो होता है POH होल थ्राइस जो होता है वो डिकम्पोज होकर H3PO3 फास्फोरस एसिड बनाता है। ठीक, इसमें फास्फोरस ने क्या किया, इसमें फास्फोरस ने अपने डी ऑर्बिटल जो वैकेंट थे उनमें पानी के OH ऋण आयनों के द्वारा दिए गए एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ले लिया, और कौन सा बंध बना लिया, अपन ने यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा उप सहसंयोजक बंध बना लिया। ठीक है, इस तरीके से ये इसके अंतर लिख सकते हैं। एक और होता है विकर्ण संबंध के ऊपर, अपन विकर्ण संबंध के विषय में जानते हैं कि सेकेंड आवर्त के जो तत्व होते हैं और थर्ड आवर्त के जो तत्व होते हैं उनमें विकर्ण संबंध होता है। ठीक है ना, सेकेंड आवर्त के प्रथम कोई सेकेंड आवर्त के तत्वों का अपने से एक तृतीय आवर्त के अपने से एक अधिक वर्ग के तत्व के साथ भौतिक और रासायनिक गुणों में समानता होती है, इसे हम विकर्ण संबंध कहते हैं। ठीक है ना, जैसे अपन ले रहे हैं 15वां वर्ग यहाँ पर, ठीक है, और इस तरफ लेंगे 16वां, तो 15वें वर्ग के नाइट्रोजन का 16वें वर्ग के, ठीक है, अपने से एक अधिक आवर्त तीसरे आवर्त के सल्फर तत्व के साथ जो भौतिक और रासायनिक गुणों में समानता होती है उसे हम क्या कहते हैं, विकर्ण संबंध कहते हैं। ठीक है, इससे विकर्ण। अब यहां पर नाइट्रोजन और गंधक मतलब सल्फर, इनके विकर्ण संबंधों में समानता थोड़ी सी अपन देखते हुए चलेंगे। ठीक है, पहला तो जो है वो है दोनों ही, ठीक है, अधातु है, आप जानते हैं दोनों ही अधातु है। दूसरा, दोनों अधातु तत्व है। दूसरा, प्रबल, दोनों ही प्रबल विद्युत क्या है, ऋणी है। ठीक है, विद्युत ऋणी है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करते हैं, दोनों प्रबल विद्युत ऋणी है। ठीक है, दोनों के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्ली होते हैं, दोनों के ऑक्साइड अम्ली हैं, दोनों ही NH3 और H2S जैसे हाइड्राइड बनाते हैं,
ठीक है, हाइड्राइड बनाते हैं, दोनों ही NH3 और H2O जैसे हाइड्राइड बनाते हैं जो स्थाई है ठीक, और सहसंयोजी, कहने का तात्पर्य दोनों ही स्थाई सहसंयोजी हाइड्राइड बनाते हैं ठीक है, और दोनों के ऑक्सो अम्ल के लवण ठीक है, जैसे NO2 और जैसे NaNO2 और Na2SO4, ये बनेगा नाइट्रिक एसिड से और ये बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड से ठीक है, दोनों के ऑक्सी अम्लों से बने हुए जो लवण होते हैं ठीक है, ऑक्सी अम्ल से नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के साथ दूसरा सॉरी अपन फास्फोरिक एसिड लेंगे हाँ ठीक है, Na3PO4 फास्फोरिक एसिड, जो अपन नाइट्रोजन और गंधक की बात कर रहे हैं राइट, तो अपना ये उदाहरण यहां पर SO4 हो जाएगा, दोनों के ही ऑक्सी अम्ल, चाहे वो अपन नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्ल नाइट्रिक एसिड की बात करें, चाहे सल्फर के ऑक्सी अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, ये दोनों ही ऑक्सी अम्ल से जो लवण बनते हैं, इसकी अभिक्रिया लवण कब और क्षार की अभिक्रिया से, तो कहने का तात्पर्य दोनों के अम्लों की जब अपन क्षार के साथ क्रिया करते हैं तो जो लवण बनते हैं वो स्थायी होते हैं ठीक है, इसके आगे अपने को यहां तक अपन ने पढ़ लिया, इसके आगे अपने को भौतिक गुणों में क्रमिकता पढ़नी है, भौतिक गुणों में क्रमिकता का मतलब क्योंकि हम वर्गों के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, 15 वर्ग के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, तो वर्गों में हम कभी भी भौतिक हो चाहे रासायनिक गुणों उसमें क्रमिकता पढ़ते हैं तो उस वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तो हम विभिन्न प्रकार के भौतिक गुण, ये आवर्त सारणी जब पिछले साल अपन पढ़ रहे थे तब भी उसमें कुछ होते हैं जैसे कि आयनन विभव, परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत धनात्मकता, ऑक्सीकरण संख्या, इनकी आवर्तता के बारे में अपन ने उस समय पढ़ा था ठीक है थोड़ा बहुत, अब इसको अपन डिटेल कर रहे हैं क्योंकि अपन वर्गों के विषय में पढ़ रहे हैं, तो सर्वप्रथम अपन आते हैं भौतिक गुण, ये ऊपर अपन ने लिखे पी ब्लॉक एलिमेंट के, ये हुए भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन ठीक है, एक एक गुणों को अपन ले रहे हैं, यहाँ पहले से मैंने लिख के रखा है ताकि आप चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, और किस रूप में हमने इसको लिखना है, इसमें से अगर प्रश्न आया तो अपने वो किस रूप में लिखना है वो भी बता रहा हूं मैं इसमें आपको, फॉर एग्जाम्पल परमाणु त्रिज्या, तो परमाणु त्रिज्या नीचे जाने पर बढ़ती जाती है, परमाणु त्रिज्या नीचे जाने पर बढ़ती क्यों है इस विषय में आप जानते हैं अच्छी तरीके से, और वो ये है कि परमाणु त्रिज्या नीचे जाने पर क्योंकि आवर्तों की संख्या बढ़ रही है कक्षों की संख्या बढ़ती जाएगी, इसलिए अपन इसके यहाँ पर लिख भी ले नाइट्रोजन ठीक है, फास्फोरस, आर्सेनम ठीक है ना, नाना पार्टिकल, आसनानी ठीक है, सब बेकार ठीक है, इस तरीके से आर्सेनम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनम, एंटीमनी, बिस्मथ, इसके बाद अपने को ज्यादा अच्छी तरीके से इस विषय में अपन पढ़ सकेंगे ठीक है, तो ये नीचे की तरफ जाने परमाणु त्रिज्या बढ़ती चली जाती है, आयनन ऊर्जा मतलब किसी तत्व के अंतिम कक्ष में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, क्योंकि परमाणु त्रिज्या जो होती है वो बढ़ती जाती है, इसलिए आयनन ऊर्जा का मान नीचे की ओर जाने पर कम होता जाता है ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता मतलब साझी के इलेक्ट्रॉनों को या इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता, क्योंकि परमाणु त्रिज्या छोटी होगी ठीक है, परमाणु त्रिज्या अधिक होती जाएगी बढ़ती जाएगी, इसलिए नाभिकीय आवेश क्या हो जाएगा, नाभिकीय आवेश कम हो जाएगा ठीक है, और इसलिए पर विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वर्ग में नीचे की ओर जाने पर कम होती जाती है, इसमें नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता आप जानते हैं सबसे अधिक होती है इस वर्ग में ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन बंधुता भी जो होती है वो नीचे जाने पर कम होती जाती है, कारण सबके वही है, परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है और उसके साथ साथ नाभिकीय आवेश कम होता जा रहा है ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है इसमें ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों को बांधे रखने की क्षमता या एक किसी बाह्य इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा जो होती है वो बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फास्फोरस से कम होती है, ये पिछले साल अपन जब आवर्त सारणी पढ़ रहे थे तब फ्लोरीन और क्लोरीन के लिए भी अपन ने इस विषय में बात की थी ठीक है, इसके बाद गलनांक और पदनांक है,
आमतौर पर सामान्य रूप से नीचे की ओर आने पर गलनांक और कंपनांक बढ़ते जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ असामान्य व्यवहार भी है कि नाइट्रोजन से तो आर्सेनम तक बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना, नाइट्रोजन से आर्सेनम तक गलनांक और कंपनांक बढ़ते जाते हैं, लेकिन आर्सेनम से बिस्मत तक आंशिक रूप से कम हो जाते हैं। इसलिए देखिए मैंने इसको नाइट्रोजन के नीचे नहीं लाया है, ना ही नाइट्रोजन के ना ही फास्फोरस के, ठीक है ना, अपन फास्फोरस यहाँ लिखे नहीं है, लेकिन अपन ने उसके नीचे नहीं लाए, हम कह रहे हैं आंशिक रूप से, ठीक है ना, जैसी बढ़ोतरी होनी चाहिए वैसी होने की जगह थोड़ी कमी आ जाती है, आर्सेनम से कम हो जाते हैं, ठीक है ना, आर्सेनम के आगे एंटीमनी और बिस्मत के गलनांक आर्सेनम से कम हो जाते हैं। ठीक, घनत्व ऑब्वियसली नीचे की ओर जाने पर बढ़ता जाता है, ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता नीचे की ओर जाने पर, जो विद्युत धनात्मकता नीचे की ओर जाने पर बढ़ती जाती है, क्यों, क्योंकि धात्विक गुण भी बढ़ता जाता है। ठीक, अपरूपता, ये सभी जो होते हैं अपरूपता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, अपर रूपों में मिलते हैं, एक से अधिक रूपों में मिल जाते हैं, लेकिन बिस्मत में यह गुण नहीं पाया जाता, इसलिए ये ऐसी चीजें जो होती है वो एक नंबर के प्रश्नों में अक्सर पूछी जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुबंध, ठीक है, बहुबंध मतलब मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, अगर अपन ये बात करें तो सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है, अगर अपन डबल बॉन्ड करें या ट्रिपल बॉन्ड करें तो दैट इज कॉल्ड मल्टीपल बॉन्ड, किसी भी ए व बी के बीच में, ठीक है। तो नाइट्रोजन के विषय में आप जानते हो नाइट्रोजन में होता है एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड, ठीक है, तो ये मल्टीपल बॉन्ड, नाइट्रोजन में बहुबंध बनाने की क्षमता होती है, ठीक है, और ये नीचे की ओर जाने पर बहुबंध बनाने की क्षमता कम होती जाती है। क्या कारण है कि ऐसा बहुबंध बनाने की क्षमता कम होती जाती है, ठीक है ना, नाइट्रोजन में बहुबंध बनाने की क्षमता होती है, ये नाइट्रोजन N2 के रूप में मिलता है, लेकिन नीचे की ओर जाओ तो फास्ट अपना ये सब P4 के रूप में मिलते हैं, ठीक है, चाहे फास्फोरस हो, आर्सेनम हो, एंटीमनी हो, बिस्मिथ हो, ये सब P4 के रूप में मिलते हैं। ये भी एक प्रश्न, एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें होता है, ठीक है ना, हम उसका कारण यही लिखते हैं कि नाइट्रोजन में पी पाई बंध बनाने की क्षमता होती है, ठीक है ना, इसीलिए ये बहुबंध के रूप में मिलता है, पी पाई बंध बनाने की क्षमता होती है, ठीक है, और इसके विपरीत इसके नीचे के तत्वों में पी पाई अतिव्यापन नहीं हो पाता, बंद बनाने की क्षमता नहीं होती, बल्कि पी पाई डी पाई बंद स्थायी होता जाता है, और ये पी पाई डी पाई बंद जो होता है ये अधिक सहन संयोजी होता है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से अपन ने इससे पहले भी पढ़े थे, जैसे ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर इनका बन जाता है, ठीक है, फास्फोरस और ये 60 डिग्री का बंध कोण होता है। तो ये नीचे की ओर जाने पर ऊपर ये पी पाई बहुबंध बनाने की या पी पाई बॉन्ड बनाने की इनकी प्रकृति अधिक होती है, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं इनमें पी पाई डी पाई बॉन्ड अधिक बनते जाते हैं, ठीक है, ऊपर पी पाई बॉन्ड अधिक और नीचे की ओर पी पाई डी पाई बॉन्ड अधिक बनाने की प्रकृति पाई जाती है, इसलिए ये सामान्यतः सहसंयोजी होते हैं और चतुष्फलकी रूप में माए जाते हैं, या इनमें नीचे की ओर जाने पर, ठीक है, बहुबंध बनाने की क्षमता कम होती जाती है, ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। धात्विक गुण अपन जानते हैं नीचे की ओर जाने पर धात्विक गुण बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए इनमें धात्विक गुण भी अधिक बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद इसी में एक महत्वपूर्ण चीज आती है, वो है ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है ना, ऑक्सीकरण संख्या के विषय में अपन बात करें, इसमें भी प्रश्न आ सकता है। तो ये नाइट्रोजन जो होता है वो -3 से लेके +5 तक की ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है, ठीक है, रेस्ट ऑफ मतलब फास्फोरस से लेकर बिस्मत तक के जितने भी रहते हैं वो +3 और +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, +3 और ऑल इन ऑल रूप में ले तो नीचे की ओर जाने पर, ऊपर तो +3 +5 दिख रहा है, लेकिन नीचे की ओर जाने पर +3 ही ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो स्थायी होती है, ठीक है ना, ऊपर की ओर नहीं, ठीक है। तो कारण क्या है ये भी पूछता है कि नीचे की तरफ जाने पर +3 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है जबकि ऊपर +3 और +5 दोनों होती है। तो
इसका जो कारण है वो हम निकालते हैं। ये सारा जो प्लस थ्री या कम ऑक्सीकरण अवस्था स्थाई होती जाती है, ठीक है ना, ये सारा कैरेक्टर जो है वो 13वें, 14वें और 15वें वर्गों में देखने को अधिक मिलता है। ठीक है, इसका कारण जो है वो सिजविक ने बताया था, ठीक है ना, किसने बताया था, सिजविक ने बताया था। ठीक है, सिजविक ने बोला यदि अंतिम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन या यदि कितने भी हों, लेकिन अंतिम से दूसरे कक्ष में, उपांति कक्ष में, ठीक है, लास्ट बट वन, या अंतिम से दूसरे, इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए, अंतिम से दूसरे कक्ष में यदि 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, अंतिम से दूसरे कक्ष में यदि 18 इलेक्ट्रॉन हो, फुलफिल हो, तो अंतिम कक्ष में अगर NS और NP इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो, जैसा कि इन सब का होता है अंतिम कक्ष का, तो उसके NS कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अक्रिय हो जाते हैं, साझे में भाग, बंध बनाने में भाग नहीं, ठीक है ना, तो अक्रिय हो गया, अभी ये तो साझे में भाग नहीं लेंगे, ठीक है ना, ये अक्रिय हो गए, तो अब साझे में या बंध बनाने में कौन भाग लेगा, NP, NP में कितने इलेक्ट्रॉन है, अभी अपन ने पढ़े थे ऊपर NS2 NP3 कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है, इसीलिए ये नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ प्लस 3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। अच्छे से आप इस आंसर उत्तर का, प्रश्न का उत्तर समझ गए होंगे, ऊपर की तरफ ये प्लस 5 और प्लस 3 दोनों हो सकता है, नीचे की तरफ जाने पर प्लस 3 स्थाई होता जाता है, क्योंकि सिजविक के नियम से इसके अंतिम से दूसरे कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए अंतिम कक्ष का NS जो कक्ष है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है ना, अक्रिय युग्म प्रभाव प्रदर्शित करता है और साझे में भाग नहीं लेता है। इसके बाद हम समूह 15 के तत्वों के, अभी तक अपन ने भौतिक गुणों में आवर्तिता वर्ग में नीचे की ओर जाने पर भौतिक गुणों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया, अब हम रासायनिक, कुछ रासायनिक गुणों के में आवर्तिता हो या वर्ग में नीचे जाने पर उनमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करें। ठीक है, इससे प्रथम जैसे अपन लेते हैं रासायनिक गुणों में क्रमिकता, रासायनिक गुणों में क्रमिकता जब अपन पढ़ रहे हैं तब अपन देखते हैं कि इसके अंतिम कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो NS2 NP6 है। ठीक है, मतलब इसके अंतिम कक्ष में जो होते हैं वो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अंतिम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होने का तात्पर्य यह भी है कि इसके अष्टक को पूर्ण करने के लिए इसे 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, या तो वो उसके ही बाहर से ग्रहण कर ले या उससे साझा कर ले, लेकिन इस वजह अष्टक को पूर्ण करने के लिए जो 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, ये अपन ने पढ़ा है कि इसे ग्रहण करना आयनन विभव की बढ़ती हुई, आयनन ऊर्जा के बढ़ती हुई बढ़ने के कारण इन्हें ग्रहण कर पाना असंभव होता है। प्रथम आयनन विभव का मान कम होता है, द्वितीय गौ से अधिक, तृतीय गौ से अधिक, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना लगभग असंभव है 3-3 इलेक्ट्रॉनों को। ठीक है, इसीलिए इसमें विभिन्न प्रकार की प्रकृति, इसके रासायनिक गुणों में भी इसी आधार पर परिवर्तन या अंतर उत्पन्न हो जाता है। हम देखें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ही एक ऐसा एकमात्र तत्व है जो कि विद्युत ऋणात्मकता प्रदर्शित कर सकता है किसी एक समय पर, कभी कभी, ठीक है ना, तो ये 3 ऋणात्मकता नाइट्रोजन में हो सकती है, लेकिन वह भी बहुत कम होती है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी सब तत्व हैं वो सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं, इनमें विद्युत ऋणात्मकता या क्या कहना चाहिए अपने को, आयनिक बंध बनाने की क्षमता बहुत कम होती है। आपकी किताब में विद्युत ऋणात्मकता लिखा है, इसलिए मैं उसी रूप में बता रहा हूं। इसके बाद सबसे नीचे बिस्मत, क्योंकि यहां आते आते तक धात्विक गुण बढ़ जाता है, तो सबसे नीचे बिस्मत जो होता है ये पानी जैसे ध्रुवीय विलायक जो होते हैं उसके साथ कुछ आयनिक व्यवहार प्रकट कर सकता है, वरना ये सभी मुख्य रूप से सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं और सहसंयोजक बंध बनाते हैं। ठीक है, अब सर्वप्रथम अपन इनके ऑक्साइड, मतलब ये जब ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करें तो इनके ऑक्साइडों के विषय में पढ़ते हैं। तो नाइट्रोजन जो होता है, ठीक है, वो कई प्रकार के ऑक्साइड N2O, NO, ठीक है, NO2, NO2, N2O3 और N2O5 जैसे
कई प्रकार के ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। इसके अलावा फास्फोरस, आर्सेनम और एंटीमनी जो होते हैं वो P4H6 P4H10 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। और बिस्मथ जो होता है वो अंतिम है, इसलिए वो Bi2O3 और Bi2O5 जैसे ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। अब इनके ऑक्साइडों की अम्लीयता के विषय में पढ़ें तो हम नीचे की ओर जाने पर इनकी अम्लीयता घटती जाती है। अब ये प्रश्न हो सकता है कि ऑक्साइड की अम्लीयता नीचे की ओर जाने पर पड़ने वाले प्रभाव को बताइए, ये भी एक प्रश्न आ सकता है, या ऑक्साइड की अम्लीयता के व्यवहार पर भी प्रश्न हो सकता है। कारण सही तो अपन जानते हैं नाइट्रोजन और फॉस्फोरस अपन ने पहले ही बता दिए थे कि अधातु तत्व, ठीक है ना, अधातु, और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ठीक है। इसके बाद आर्सेनम और एंटीमनी जो होते हैं वो उपधातु तत्व हैं, ठीक है, इसलिए इनके ऑक्साइड उभयधर्मी है, परिवर्तन हो रहा है ना धीरे धीरे, ठीक है ना। और जब अपन बिस्मथ में आते हैं तो ये धातु है, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। मतलब क्या होता है, मतलब ये हुआ कि अम्लीयता इसकी कम होती जाती है क्योंकि इनकी प्रकृति जो होती है वो परिवर्तित होती जाती है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑक्साइड अम्लीय, आर्सेनम और एंटीमनी के ऑक्साइड उभयधर्मी, और बिस्मथ का जो धातु तत्व है उसका ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक। इसके आगे अपन इसमें और एक चीज छोटी सी देख सकते हैं कि जैसे जैसे ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, वैसे वैसे अम्लीय प्रकृति में भी वृद्धि होती जाती है ऑक्साइडों में, इनके ऑक्साइडों में जैसे जैसे ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे इनकी अम्लीय प्रकृति में वृद्धि होती जाती है। ये नाइट्रोजन को जो ऊपर मैंने टिक लगाया उससे अच्छे से समझा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है हैलाइड, ठीक। हैलाइड ये दो प्रकार के बनाते हैं, RX3 और RX5, ठीक है ना, जैसे कि PCl3 PCl5, ठीक है। जो RX3 प्रकार का ऑक्साइड हैलाइड होता है वो स्थाई होता है, ठीक है ना। तो ये RX3 प्रकार का हैलाइड जो होता है वो स्थाई होता है, और ये जो RX5 है ये अस्थाई होता है, ठीक है ना। अस्थाई क्यों होता है, क्योंकि इसमें उपसहसंयोजक बॉन्ड की संभावना पाई जाती है, उपसहसंयोजक बॉन्ड अस्थिर होता है, ठीक है ना। इस तरीके से कह सकते हैं अपन कि काफी इलेक्ट्रॉन युग्म ये डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, ठीक। इसके बाद अगर अपन नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनम एंटीमनी के एक ही हैलाइड की विषय में बात करें, चाहे वो सोडियम फ्लोराइड हो, चाहे वो सोडियम क्लोराइड सॉरी चाहे वो नाइट्रोजन फ्लोराइड हो, चाहे वो नाइट्रोजन क्लोराइड हो, एक ही, मतलब ये अपन इस तरीके से लिख सकते हैं NX, इसी वर्ग के सभी तत्वों के, ठीक है, इसी वर्ग के सभी तत्वों के विषय में बात करें तो अपन इस वर्ग को यदि R से डिनोट कर रहे हैं तो RX, ठीक है ना, RX। तो अगर अपन इसी वर्ग में नीचे की ओर जाएं, जैसे अपन यहां जा रहे हैं नाइट्रोजन फ्लोराइड, फास्फोरस फ्लोराइड, आर्सेनम फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड, बिस्मथ फ्लोराइड, तो इनमें सब में आप जानते हो कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे, यदि अपन इसके ट्राई हैलाइड की बात कर रहे हैं, ठीक है, यदि हम इसके ट्राई हैलाइड की बात कर रहे हैं। इसमें प्रश्न है कि प्रथम तत्व जो होता है नाइट्रोजन, उसके हैलाइड को छोड़कर शेष सभी तत्वों के ट्राई हैलाइड विस्फोटक क्यों होते हैं, या इसका उपयोग हम विस्फोटक के रूप में क्यों करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर है। तो हम देखते हैं कि इस सब में अपन ऊपर से और नीचे की ओर आने पर इनका स्थाई, पहला जो होता है नाइट्रोजन फ्लोराइड है, ट्राई फ्लोराइड स्थाई है, शेष सभी अस्थाई है। अब शेष सभी अस्थाई है तो बड़ी जल्दी विघटित हो जाएंगे, और क्योंकि बल्ली जल्दी विघटित हो जाते हैं इसलिए ये विस्फोटक की भांति व्यवहार करते हैं, ठीक, ये हो गया। इसी में एक प्रश्न आता है कि नाइट्रोजन तो ट्राइक्लोराइड बनाता है, जबकि फास्फोरस जो होता है वो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड भी बनाता है और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी बनाता है, ये प्रश्न भी आता है क्यों। तो इसका आंसर बहुत शॉर्ट में अगर हम बोलें तो नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल अपन शुरू से पढ़ रहे हैं एब्सेंट होता है, ठीक है, और फास्फोरस इसके आगे जो होता है वो डी ऑर्बिटल जो होता है, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है, ठीक, प्रेजेंट होता है। तो NS2 जो ग्रुप है इसके इलेक्ट्रॉन यहां आ गया बीच में, ये हो गया NS2, ठीक है, और ये हो गया
एंड P3 और इसके आगे P, ठीक है ना, 1, 2, 3, 4। तो इसके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में नाइट्रोजन S और उपकक्ष के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में, ठीक है, कहाँ चले जाते हैं, रिक्त d ऑर्बिटल में चले जाते हैं। इस प्रकार 5 अयुग्मित ऑर्बिटल S में का 1, P के 3, D के 2, 5 अनपेयर्ड ऑर्बिटल उपलब्ध होने के कारण फास्फोरस और उसके आगे वाले जो होते हैं वो ट्राइक्लोराइड के साथ संकरण के द्वारा PCl5 या पेंटाक्लोराइड भी बनाते हैं, जबकि शेष जो होता है, जबकि नाइट्रोजन जो होता है उसमें डी ऑर्बिटल एब्सेंट होने के कारण वो ऐसे नहीं बना सकता है, ठीक है, वो नहीं बना सकता। इसके आगे अपन जो है हैलाइड के बाद इसका अंतिम भाग रह जाता है, ठीक है, अंतिम भाग जो रह जाता है वो है हाइड्राइड, इस विषय में पढ़ेंगे, ठीक है, हाइड्राइड के विषय में अपन पढ़ेंगे। इस हाइड्राइड से इसकी आवर्तिता में, इसके विभिन्न गुणों के विषय में सीधा सीधा प्रश्न आता है, ये अंतिम है और ये बड़ा महत्वपूर्ण है इसमें, ठीक है, कि भाई इसके जो हाइड्राइड हैं, इसमें जो हाइड्राइड पाए जाते हैं उनके निम्नांकित गुणों में जो है वो नीचे की ओर जाने पर बढ़ोतरी होगी क्या, बढ़ेगा अथवा घटेगा, या उसकी गुणों की आवर्तिता के विषय में बताइए, ठीक है, तो हाइड्राइड के विषय में अपन पढ़ेंगे, ठीक। हाइड्राइड के विषय इसमें अंतिम जो है अपने को अपन अभी रासायनिक गुणों में आवर्तिता पढ़ रहे वर्ग में, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर मूल 15वें वर्ग में, इसमें अंतिम है हाइड्राइड। हाइड्राइड में देखिए बहन, ये पूरा आपके लिए जितना भी हाइड्राइड में प्रश्न आता है 5 नंबर का, उसके विषय में ये मैंने पूरा आपको डिटेल इस तरीके से, यदि इसमें से कोई भी 5 गुण जो ये गुण लिखे हैं ऊपर, इनमें से कोई भी 5 गुण जो होते हैं उनके विषय में आ सकता है कि इनके विभिन्न हाइड्राइडों के इन 5 गुणों में आप आवर्तिता के विषय में बताइए, ठीक है ना, परिवर्तन के विषय में, वर्गों में नीचे की ओर जाने पर होने वाले परिवर्तनों के विषय में बताइए, और इसमें जितना मैंने बोला हूं बस उतना भर आपको लिखना है, या ये ही टैली बनाना है, इससे भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो सर्वप्रथम अपन देखते हैं कि इनके हाइड्राइड, ठीक है ना, ये सोडियम ट्राइहाइड्राइड, फास्फोरस ट्राइहाइड्राइड और आर्सेनियम ट्राइहाइड्राइड, इनके नाम अमोनिया, फास्फीन, आर्सिनिन, एस्टिबिन और डिस्मिथीन होते हैं। नाम के विषय में कोई नहीं पूछता, इनके विषय में पूछता है कि इनमें विभिन्न गुणों में होने वाली आवर्तिता बताइए। तो पहला हुआ स्थायित्व या थर्मल स्टेबिलिटी, जिसको स्थायित्व यानी इसके बने रहने की क्षमता, या इसे थर्मल स्टेबिलिटी भी इसको दूसरे रूप में कहते हैं इसके विषय में। तो जो स्थायित्व होता है वो इनका जो होता है आगे चलने पर, नीचे की ओर जाने पर, इस तरफ नीचे की ओर जाने पर घटता जाता है, क्योंकि इनकी जो बंध लंबाई है परमाणु त्रिज्या बढ़ते जाने के कारण बंध लंबाई बढ़ती जाती है। तो ये इसका कारण हो गया, क्योंकि बंध लंबाई बढ़ती जाती है इसलिए इनकी स्थायित्व नीचे की ओर घटता जाता है। मतलब क्या हुआ, NH3 सबसे स्थायी हो गया, ठीक है ना, बिस्मत जो बिस्मथीन है वो सबसे कम स्थायी हो गया। इसी तरीके से अगर अपन आगे बढ़ते हैं, अपचायक गुण, ठीक है ना, क्यों अपचायक गुण स्थायित्व पर डिपेंड करता है, तो क्योंकि स्थायित्व घटता जाता है इसलिए अपचायक गुण नीचे की ओर बढ़ता जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन बंद कोण। बंद कोण जो होता है वो अमोनिया के लिए जो है वो होता है, इसकी चतुष्फलकीय संरचना है, 107.28 होता है, और बंद कोण नीचे की ओर जाने पर क्रमशः कम होता जाता है, ठीक है। बंद कोण कम होने का कारण क्या है, देखिए इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो किसी भी जो हाइड्राइड है उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें 3 हाइड्रोजन होंगे टेट्राहाइड्रल के रूप में, और एक जो होगा ऑर्बिटल जो होगा उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, पिछले साल जो अपन ने थ्योरी पढ़े थे उसके आधार पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, जो नाइट्रोजन होगा उसमें 4 जो होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, उसमें से एक में लोन पेयर होगा और 3 जो होंगे वो हाइड्रोजन के साथ जुड़े होंगे, ठीक है ना, चाहे नाइट्रोजन हो या कोई भी अन्य हाइड्राइड हो उसके लिए, ठीक है। तो लोन पेयर और जो बॉन्ड पेयर ऑर्बिटल होते हैं उनके बीच में अपन ने पढ़े हैं क्या होता है, रिपल्शन होता है,
प्रतिकर्षण होता है, ठीक है ना, इसमें रिपल्शन होता है, ठीक है ना, रिपल्शन होता है। अब क्या होता है, जैसे जैसे हम इधर नीचे की ओर आते जाते हैं, इनका परमाणु त्रिज्या बड़ी होती जाती है, ठीक है ना, परमाणु त्रिज्या बड़े होने के कारण ये जो लोन पेयर होते हैं और बॉन्ड पेयर होते हैं या जो बंद कोण होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है, ये जगह जो होती है, स्पेस जो होता है, इस तरह अंतराकाशीय स्पेस बढ़ जाता है। अब अंतराकाशीय स्पेस बढ़ने की वजह से बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं या जो बॉन्ड पेयर ऑर्बिटल होता है वो लोन पेयर से रिपल्शन को कम करने के लिए एक दूसरे के पास आ जाते हैं या स्पेस अधिक होने के कारण, ठीक है ना, बस इतना भर है, तो इस वजह से जो बंद कोण है उसका मान कम हो जाता है। इसमें भी प्रश्न हो सकता है कि बंद कोण का मान नीचे की ओर जाने पर क्यों कम हो जाता है, स्पेशल एक क्वेश्चन, ठीक है, भी हो सकता है। इसके बाद आते हैं अपन क्षारीय प्रकृति, तो क्षारीय प्रकृति जो होती है वो जो होती है वो कम होती जाती है। देखिए क्षारीय प्रकृति कम होती जाती है, क्यों होती जाती है, क्षारीय प्रकृति किसके ऊपर डिपेंड करती है, आप जानते हो ये लोन पेयर के ऊपर, इलेक्ट्रॉनों के ऊपर निर्भर करती है, जिसे हम लुईस क्षार भी कहते हैं। और इसका बड़ा अच्छा उदाहरण हम हर जगह लेते हैं कि अमोनिया एक लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है, क्यों, ठीक है ना, तो क्योंकि उसके पास लोन पेयर तो इन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से इन सब के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये सब क्षारीय प्रकृति के हो सकते हैं, लेकिन इनकी क्षारीय प्रकृति का मान नीचे जाने पर कम होता जाता है, बस इतना ही बताना है। अब कारण क्या है उसे थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, फास्फोरस के पास भी लोन पेयर है, आर्सेनियम के पास भी लोन पेयर है, लेकिन नाइट्रोजन की परमाणु त्रिज्या कम है, लोन पेयर संकेंद्रित है, कंसंट्रेटेड है, फास्फोरस का परमाणु त्रिज्या थोड़ी बड़ी है, उसके लोन पेयर थोड़े से दूर है, ठीक है ना, दूरी बढ़ती जाएगी, सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर केंद्रित नहीं रहेंगे, थोड़े से अलग हो जाएंगे, ठीक है, आर्सेनियम की परमाणु त्रिज्या और अधिक है तो लोन पेयर और दूर होंगे या और ज्यादा स्पेस में होंगे, तो नाइट्रोजन में परमाणु त्रिज्या कम होने के कारण लोन पेयर संकेंद्रित होते हैं और बड़ी तेजी से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में दिए जा सकते हैं, इसीलिए नाइट्रोजन जो होता है और इसके आगे नाइट्रोजन अच्छा क्षारीय गुण व्यवहार प्रदर्शित करता है, लेकिन नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ते जाने के कारण ये क्षारीय प्रकृति कम होती जाती है। इसके बाद है पानी में विलयता, अपन जानते हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है इसलिए वो पानी में विलय होता है, पानी में विलयता नीचे की ओर जाने पर अपन ने अभी पढ़ा था धात्विक प्रकृति से धात्विक प्रकृति की ओर ये सब जा रहे हैं, इसलिए पानी में विलयता इनके हाइड्राइडों की कम होती जाती है, सहसंयोजक प्रकृति जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति ना होने के कारण। इसके बाद गलनांक और क्वथनांक है, सिर्फ इसमें इतना भर है कि ये बढ़ते जाते हैं, ऑब्वियसली गलनांक क्वथनांक नीचे की ओर जाने पर बढ़ते जाते हैं। विषैलापन, नाइट्रोजन का जो अमोनिया है NH3 है वो विषैला नहीं होता और शेष सभी विषैले हैं, इतना लिख देना है। इस तरीके से ये आज अपन ने 15वें वर्ग के तत्वों के भौतिक और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उसके पश्चात उसके सामान्य गुण असामान्य व्यवहार के कारण नाइट्रोजन के और ये सब वर्गों में इनके भौतिक और रासायनिक गुणों की आवर्तता के विषय में पढ़ा। इसके आगे का अपन अगले पीरियड में पढ़ेंगे।